नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव। मैं हूं आपके साथ चांदनी पाठक। आइए एक नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। जरीपटका और गिट्टी खदान थाना क्षेत्र में दो महिलाओं से दुष्कर्म, एक आरोपी गिरफ्तार। दीक्षा भूमि के सौंदर्यीकरण व विस्तार के प्रति सरकार उदासीन। हड़ताल के बीच दौड़ी एसटी की 9 बसें। देखते हैं अब खबरें विस्तार से। शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के दो प्रकरण जरीपटका और गिट्टी खदान थाने में दर्ज किए गए। जरीपटका क्षेत्र निवासी पीड़ित 34 वर्षीय महिला है, जबकि आरोपी देवेंद्र पवार जो कि जलगांव जिले का चांसार का निवासी है, दोनों की सोशल मीडिया पर पहचान हुई थी। प्रेम संबंध स्थापित हुए। देवेंद्र ने पीड़िता को शादी करने का झांसा देकर 30 सितंबर 2017 से 7 दिसंबर 2021 के बीच दुष्कर्म करता रहा। शादी करने के लिए दबाव बनाने पर उसने इनकार कर दिया। प्रकरण दर्ज किया गया। दूसरी घटना गिट्टी खदान थाना अंतर्गत हुई। पीड़िता 37 वर्षीय है। पीड़िता शिक्षिका है। आरोपी पूर्व सहपाठी आरटीओ दलाल रोशन खोड़े 39 वर्ष का है। उसने भी शादी का झांसा देकर करीब 2-2.5 वर्ष पीड़िता से दुष्कर्म करता रहा। शिकायत पर गिट्टी खदान पुलिस ने रोशन को गिरफ्तार कर लिया है। रविवार को उसे रिमांड पर भेज दिया गया। अगली खबर, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर स्मारक समिति के ट्रस्टी विलास गजघाटे ने कहा है कि बौद्ध अनुयायियों का ऊर्जा स्थल कहलाने वाला दीक्षा भूमि का सौंदर्यीकरण तथा विस्तार के प्रति सरकार की भूमिका पूरी तरह उदासीन दिखाई दे रही है। साल 2015 में तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 22 अक्टूबर को धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस समारोह में दीक्षा भूमि के सौंदर्यीकरण व विस्तार के लिए 350 करोड़ रुपए की निधि देने की घोषणा की थी, लेकिन 6 साल में फूटी कौड़ी नहीं मिली। उसी के साथ कोराड़ी मंदिर और ताजबाग दरगाह परिसर के लिए निधि की घोषणा की गई थी। इन दोनों धार्मिक स्थलों के विकास कार्य अंतिम चरण में पहुंच गए हैं। सरकारों के सौतेले व्यवहार से बुद्ध अनुयायियों में असंतोष है। अगली खबर, शनिवार के हड़ताल के बीच एसटी महामंडल की कुल 9 बसें चलाई गई। इससे शहर के इमामबाड़ा, गणेशपेट, घाट रोड डेपो से कुल 28 फेरियां चलाई गई। कुल 1157 यात्रियों ने बसों का लाभ लिया। बसों में यात्रियों की उपस्थिति अच्छी रहने से 76,423 रुपए का राजस्व मिला। गत 1.5 महीने से शासकीय विलगीकरण की मांग को लेकर एसटी महामंडल के कर्मचारियों ने राज्य स्तर पर हड़ताल की है, जिससे बसें नहीं चल पा रही है। ऐसे में प्रशासन की ओर से विभागीय कर्मचारियों की मदद से प्रतिदिन क्षमता के अनुसार बसें चलाई जा रही है। इससे यात्रियों को इसका लाभ मिल रहा है। इसी के साथ देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहे एमएनएस न्यूज लाइव। नमस्कार।